अब हर व्रत में आपका यही साबूदाना चीला खाने का मन करेगा। बनाना बहुत ही सिंपल है, साथ ही बनाने में टाइम बहुत ही कम लगता है। तो जब भी आपको व्रत में भूख लगे तब आप इसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर खा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इस साबूदाना चीला बनाने की रेसिपी। साबूदाने का चीला बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम साबूदाने को भिगोने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने एक कप साबूदाना लिया है। साबूदाने को अभी हमें 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेना है। हमें इस साबूदाने को जब तक धोना है जब तक कि इसमें से ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकलना बंद ना हो जाए। साफ पानी से धोने के बाद पूरे एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। अभी जब भी आप साबूदाने को भिगोने के लिए रेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले कम से कम आप 3 से 4 चम्मच जितना एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल दें, जिससे जब साबूदाना फूलेगा तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा और साबूदाने के अंदर अच्छी सॉफ्टनेस रहेगी। तो यहाँ मैंने एक कप साबूदाने के अंदर लगभग 3 से 4 चम्मच जितना पानी डालकर मिक्स कर दिया है। अब इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब साबूदाना अच्छे से भीग जाएगा तब हम इसका चीला बनाएंगे। चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 से 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे भीगा हुआ साबूदाना। आप देख सकते हैं साबूदाना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको हार्ड लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डालकर इसे थोड़ा टाइम के लिए और फूलने दें। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच जितनी भुनी हुई मूंगफली जिसे हल्का सा कूट कर तैयार किया है मैंने, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच जितना सेंधा नमक और काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें साबूदाना और आलू के रेशियो को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकती हैं। अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना ऑयल और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे हल्का खट्टा टेस्ट आता है तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इस मिक्सर में थोड़ा सा भाग लेंगे और इसकी गोल लोई बनाएंगे। जितनी हम नॉर्मल घर पर पराठा बनाते हैं उससे थोड़ी मोटी लोई लेनी है हमें इसकी। लोई को अच्छे से बनाने के बाद अभी आप कोई भी एक नॉर्मल पॉलीथिन ले लीजिए। पॉलीथिन के ऊपर सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएंगे, इसके ऊपर लोई को रखेंगे और वापस से ऊपर से पॉलीथिन से कवर करेंगे। पॉलीथिन से कवर करने के बाद अब आप चाहें तो हाथों से इस तरीके से फैलाते हुए भी इस चीला को बना सकती हैं, पर इस तरीके से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको झटपट बनाना है तो बस आप इस तरीके से बेलन से बेल लें, इससे आपका टाइम भी बचेगा और काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। हमने इसे पॉलीथिन पर बनाया है तो अगर साइड से थोड़ा बहुत चीला जो है वो खुलने लगे तो आप इस तरीके से उंगलियों से प्रेस कर दें, जिससे इसकी शेप भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये हमारा एक चीला बनकर तैयार है। चीला बहुत ही आसानी से पॉलीथिन से निकल जाएगा अगर आप इसके ऊपर घी लगाएंगे तो। आप देख सकते हैं निकालते समय बिल्कुल भी नहीं टूटेगा ये। सेकने के लिए हम पैन पे सबसे पहले हल्का सा घी को ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर हम बनाए के चीले को डाल देंगे। एक साइड से अच्छे से सिकने के बाद इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हल्का कलर चेंज होने तक सिकने देंगे। इस चीले को आप मीडियम आंच पर सेकेंगे तो इसके अंदर टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे दोनों साइड से और इसे पलट पलट कर अच्छा कलर चेंज होने तक सिकने देंगे। अगर आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो बहुत ही कम घी में भी आप इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो बस हल्का कलर चेंज होने तक अच्छे से इसे सेक लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल साबूदाने का चीला बनकर तैयार है। आप इसे साबूदाने का पराठा भी बोल सकती हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अगर आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। 1 से 2 चीले खाने के बाद ही आपको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही सॉफ्ट भी हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे भी व्रत रहते हैं तो वो भी इसे बहुत ही स्वाद के साथ खाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो एक बार फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।